एपिसोड 99 की स्टार्टिंग होती है और एलियट कहता है, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। जब से तुमने डेटिंग शुरू की है, तुमने मुझसे झगड़ना सीख लिया है। तुम्हें सिर्फ सिनेन के साथ रहने के लिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर शिंग कहती है, तुम हर बात में सिनेन को क्यों घुसा देते हो? तुम उसे एक तरफ पसंद भी करते हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मॉम चाहती है कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे सिनेन की परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? फिर एलियट कहता है, मैं इस बात पे और समय बर्बाद नहीं कर सकता। आराम करो, कल सुबह हम स्टेशन जा रहे हैं। फिर शिंग कहती है, तुमने हाई स्कूल में डेटिंग शुरू करी और पूरी रात तुम बाहर रहते थे। हम लोगों ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो फिर जब मैं डेटिंग कर रही हूँ तो फिर तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बता दूंगी। फिर एलिट कहता है, माफ करना पर मुझे धमकी देना वेस्ट है। जिस लड़की को मैंने हाई स्कूल में डेट किया वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मॉम कहती है, हे भगवान, एलियट एक बच्चा है पर बच्चे होने के बाद भी वो तुम्हारी परवाह करता है। फिर शिंग कहती है, हाँ पर वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है क्योंकि मैं डेट कर रही हूँ। फिर मॉम कहती है, मेरी बच्ची, आज तुम जहाँ हो वहाँ पहुँचने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हें देखा है और अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे फिर वो करियर हो या फिर रिलेशनशिप। फिर डैड कहते हैं, हाँ हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा तुम पहले से ही अच्छा काम कर रही हो। फिर मॉम कहती है, नया साल सिर्फ एक त्यौहार की तरह है पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम्हारे साथ बिताए हर दिन मेरे लिए नए साल की तरह ही है। मेरी बच्ची, ज्यादा चिंता मत करो कि घर में क्या हो रहा है। फिर शिंग कहती है, बस करो मॉम, रुलाओगी क्या? फिर डैड कहते हैं, और वैसे भी तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास चांस है कि तुम नई नई जगह को एक्सप्लोर कर सकती हो और वो सब कर सकती हो जो तुम्हें पसंद है। और मैं देख रहा हूँ कि सिनेन भी बहुत मेहनत कर रहा है। फिर मॉम कहती है, शिंग हमारे पास बहुत समय है, अगर हमें तुम्हारी याद आएगी तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। और वैसे भी वहाँ सिनेन है तुम्हें कंपनी देने के लिए, तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची शिंग, तुम बहुत बिजी हो जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है और तुम्हें बहुत पढ़ना है। ये चीज़ सबके साथ होती है। मैं तुम्हें फिर से वही एडवाइस दूंगी, जो तुम्हारा मन हो तुम वही करो। हम दोनों हमेशा तुम्हारे सारे डिसीशंस को सपोर्ट करेंगे। ये सुन के शिंग बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर कहती है, मॉम मैं जैसे ही वो प्राइज मैंने जीतूंगी मैं आपको एक नेकलेस खरीद के दूंगी। फिर डैड कहते हैं, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, पर तुम तुम्हारे डैड को क्या दोगी? फिर शिंग कहती है, मैं आपको एक मसाज चेयर खरीद के दूंगी, थैंक यू डैड। फिर डैड कहते हैं, अरे वो तो बहुत महंगी है, मुझे वो चेयर नहीं चाहिए, तुम वो पैसे खुद के लिए संभाल के रखना। फिर शिंग कहती है, क्या मैं एक कंपनी इवेंट के लिए जा सकती हूँ? फिर मॉम कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारी लाइफ है बेटा, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।